हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल क्या होता है और इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए यार स्टार्ट करते हैं। तो यार आओ अपनी वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं और अपनी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं हम सबसे पहले डेफिनेशन से कि थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल क्या होता है। तो देखो यार, हर एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट को, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की हर इक्विलिब्रियम स्टेट को हम कुछ मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल से डिस्क्राइब कर सकते हैं, कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। और उन्हीं वेरिएबल्स को, उन्हीं मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। अब देखो यार, यहाँ पे दो वर्ड है हमारे पास, कौन कौन से, एक तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम और एक इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। तो अब इन दोनों को देखते हैं ताकि हम ये डेफिनेशन है जो स्टेट वेरिएबल की ये पूरी पूरी समझ आ जाए, ठीक है। तो देखो यार, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, ये एग्जांपल देखो, जैसे कि आपके पास ये कोन है, इस कोन में क्या है, इसके अंदर एक ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है, ये है मैटर, कुछ मैटर है, कुछ सब्सटेंस है, और ये क्या है, एक वॉल से क्या है, कन्फाइंड है, एक वॉल से, एक बाउंड्री से कन्फाइंड है। तो जो इसके अंदर का मटीरियल है, जो इसके अंदर का मैटर है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं कि ये है हमारे पास सिस्टम, ठीक है। और जो सिस्टम क्या है, वो वॉल से, बाउंड्री से कन्फाइंड है, और उसके बाहर की जो चीजें हैं वो क्या है, उसको हम सराउंडिंग बोल रहे हैं, ठीक है। तो सिस्टम क्या है पता चल गया, और सिस्टम के टाइप कितने होते हैं, ये तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अगर ये आपको ये तीनों सिस्टम के बारे में डिटेल में जानना है तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ये वाली वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, ठीक है। सो गाइस, अब बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है। तो यार देखो, द प्रॉपर्टी विच डू नॉट चेंज विद टाइम एज लॉन्ग एज एक्सटर्नल कंडीशंस आर अनचेंज्ड इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी कि सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो समय के साथ साथ बदलती नहीं है, उसको बदलती नहीं है जब तक कि उस पर एक्सटर्नल कंडीशंस ना लगाई जाएं, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो गाइज, अब हमने दोनों ही डेफिनेशन देख ली कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है और इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है। अब हम वो वाली जो डेफिनेशन देखी थी हमने स्टार्टिंग में कि थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को हम रिकॉल करते हैं ताकि हमें वो डेफिनेशन अच्छे से समझ आ जाए। तो वो डेफिनेशन थी कि एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की हर इक्विलिब्रियम स्टेट को हम कुछ वेरिएबल से क्या करते हैं, कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं, एक वेरिएबल से कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं, उन्हीं वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। तो देखो यार, अब ना हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल का क्या क्या एग्जांपल हो सकता है। तो देखो यार, एक गैस है जो कि क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है। तो हम उसको कैसे हम स्पेसिफाइड कर सकते हैं, बाय द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, उसके उस गैस की वॉल्यूम क्या है, उसका मास क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका प्रेशर क्या है। तो यार यहाँ पे जो मैंने टेम्परेचर बोला, प्रेशर बोला और ये वॉल्यूम बोला, ये क्या है, इन्हीं को तो हम क्या बोल रहे हैं, इन्हीं को हम स्टेट वेरिएबल बोल रहे हैं गाइज, इन्हीं चीजों को हम स्टेट वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। आगे बात समझ, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और क्या, मास, डेंसिटी, इंटरनल एनर्जी, किसी मैटर की ये सारी चीजें, इनको क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। तो यार देखो, ये जो है, अब थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल है, ये दो टाइप की होती है, दो टाइप कौन कौन से है, एक है इंटेंसिव और दूसरा है एक्सटेंसिव। अब यार ये इंटेंसिव क्या होता है और एक्सटेंसिव क्या होता है, मानो कि एक ग्लास है, उसके अंदर गर्म पानी है, अगर गर्म पानी है उसके अंदर मान लो 250 ग्राम, अगर आधा आधा बांट लिया हमने, है ठीक है, यानी 250 ग्राम पानी था, जो 250 ml जो वाटर था, उसको हमने टू इक्वली डिवाइड कर दिया, टू इक्वली पार्ट्स में, अलग अलग ग्लास में, तो यार क्या क्या चेंज हुआ उसमें, उसमें टेम्परेचर दोनों का है, गर्म पानी था, दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है, जिसमें टेम्परेचर सेम है और क्या सेम है, वॉल्यूम अलग हो गई, मास अलग हो गया, मास चेंज हुआ है, वॉल्यूम चेंज हुई है, मास चेंज हुआ है, उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर सेम है, ठीक है। तो जिसमें वो टेम्परेचर और प्रेशर किस क्वांटिटी में आ गया, ये आ गया इंटेंसिव क्वांटिटी में, और जो मास और वॉल्यूम है वो चेंज हो गई आफ्टर, उनको जब अलग अलग कर दिया, तो जो ये क्या है, मास है, वॉल्यूम है, ये क्या हुआ, अलग हुआ डिवाइड करने के बाद, तो ये क्वांटिटी आई, ये दोनों वेरिएबल्स कौन सी, ये दोनों वेरिएबल्स क्या हुए, ये दोनों एक्सटेंसिव वेरिएबल्स हुए। तो गाइस, अब बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है। तो यार जो अभी हमने वेरिएबल पढ़े ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, यार इन्हीं के रिलेशन को, इन्हीं को आपस में रिलेट करना है, इन्हीं के कनेक्शन को क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, यानी कि जो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ये क्या है, ये इक्वेशन है ना, इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बस आज की वीडियो में बस इतना ही।
तो यार गाइस ये वाली वीडियो थोड़े हटके थी ना, यानी अलग सेटअप पे बनाई है इस बार। अगर आपको यार ये वाला सेटअप अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि इस सेटअप पे मैं और वीडियोस बनाऊं, वीडियो समझ आई हो, तो यार इतना प्यारा से कमेंट कर देना नीचे कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं इसी सेटअप पे और वीडियोस बनाऊं, है ना। तो और इस बार क्वालिटी भी अच्छी मिली होगी आपको बाकी वीडियोस से, देखना एक बार क्वालिटी में पक्का फर्क हुआ होगा कुछ। तो यार एक प्यारा सा कमेंट कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और यार जिनको मदद है ऐसी वीडियोस की उनके पास शेयर करो यार। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।